इस टाइम असी सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सत्तों वाली सत्रहिया पंचायत के इतने के दो पंच ने साढ़े कन्ने डॉक्टर सुरेंद्र जी और प्रेम सिंह जी प्रेम जी असी इन्हें को जानते हैं कि इन्हें के मुद्दे लैके अगे आए हैं और क्या आखना चाहते हैं। मैं हाँ जी मैं जी वार्ड नंबर 6 का पंच खड़ा ब्लाक सत्तों वाली। मैं मेरे अगर जे त्रुटियां रह गई अगर मैं पंच जित गया बन गया तो मेरे जे त्रुटियां रह गई ना वो मैं पूरी करा चीज़ ने मेन जिन पर फोकस होगा मेन जो है कि अपना नशाखोरी है ना नशाखोरी मैं जी वो अपने यूथ की समझागा वो बारे च कि मैं 37 साल नौकरी की है बड़ी ईमानदारी ने की है और पहले मैं अपने घर का डिवेलपमेंट की है वह विकास किया हूँ आने वाले समय से अगर मैं मौका मिले बगैर निस्बाव दे बगैर जाति पात उपर उठ गया मैं पिंड का अपनी गली का विकास कराँगा और दूसरा मैं कसम खा के आखना कि जिहड़े साडे नौजवान भड़के दे ने उन्हें दी नशा जे नशे दे विच जां गलत संगतियों विच पै गए हैं कोशिश करांगे उन्हें दी सही रस्ते पर सही राह पर लाने की पूरी पूरे यत्न करांगे। बाकी साड़ी तरफों जितना भी होगा जिहड़ियां गौरमेंट दीआं स्कीमां आणगियां बगैर भेदभाव तो अस लोगों में जा गया गली महल जा गया उनकी सलाह सूत्र लै गया उस हिसाब का अस काम करा ताकि कुसा कन्नै बेइंसाफी ना हो। जिहड़ा अज दा सम्मेलन विशेषकर मातृशक्ति और पंचायत हलका सतवाली की सभी महिलाओं ने मिलकर के किया ये सम्मेलन जो हमारी सरपंच की उम्मीदवार हैं श्रीमती सुनीता देवी जो मेरे साथ खड़ी हैं उनके आखने बरे सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन का मकसद ये है कि वोटर कन्नै महिलाएं वोटर्स कन्नै सरपंच और पंच उम्मीदवारों का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके उस इंटरेक्शन की मद्देनजर रखते हुए इन्हें यह सम्मेलन बुलाया और मैं खुशी होंगी आखते हुए कि उहदे विच साड़ियां बहुत सारी महिलाएं खुल के बोलिया और खुशी प्रकट की थी कि इस पंचायत की सरपंच एक महिला बनने के जा रही है और विशेषकर एक ऐसी महिला जिहड़ी लोकें दे कन्नै खुद मिलकर गल कर सकती है खुद एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै गल कर सकती है लोकें दी समस्या की समझ सकती है और लोकें कन्नै मिलकर इस पंचायत का विकास करवाना चाहती है और सब तो बड़ी गल ये है कि उहदे विच महिलाएं आख्या कि असें कि ऐसी सरपंच नहीं चाहिदी जिहड़ी सरपंच बन के घर बैठी रहे और उसका घर वाला सरपंच ही करे अस चाहते हैं कि ऐसी सरपंच बने जिहड़ी सरपंच डायरेक्टली पिंडां दे मसलें लई है और सरकार दे जिहड़ियां स्कीमां जिहड़ियां केंद्रीय सरकार दीआं स्कीमां या दूसरी सारी स्टेट सरकार दीआं स्कीमां उन्हें स्कीमें की सीधा जिहड़ा साढ़े तक लियावे हर एक ने कंसल्ट करे और उन्हें गल करने की कोशिश करे। तीसरी गल ज़्यादा उन्हें जोर यह दिता महिलाएं इस गल पर कि पिंडां दी साफ सफाई दूसरा बच्चे की एजुकेशन बच्चे के स्वास्थ्य बारे में वो काफ़ी चिंतित ने कि जो छोटे बच्चे ने उनके स्वास्थ्य जोड़े ने जोड़े उन्हें ठीक रखने वास्ते स्वस्थ रखने वास्ते जोड़े भी कोई टीके लगाए जाते हैं जो उन्हें देखा जाता वो सारी गल की जा पिंडे की साफ सुथरा रखा जा और विशेषकर जोड़े सारे गरीब लोग जिन्हें मकान नहीं है जिन्हें कि BPL कैटेगरी में मकान मिलता है उन्हें कि इस हिसाब के मकान दिता जा कि जोड़ा डिजर्व करता है जिहड़ा हक रखता इसका वह मकान दिता जा। सो ये सारिया गल करते हुए इतना इत भी जिक्र होया कि इस ग्रां दे विच जितना भी विकास होया है पहले विकास होया अस पूरी कोशिश करांगे जिहड़ी सारी सरपंच उम्मीदवार उन्हें भी आख्या साढ़े पंचें भी आख्या कि जिहड़ा पहले विकास होया उस विकास की कायम रखने वास्ते अस पूरी कोशिश करांगे सारी और साड़ी कोशिश होगी कि साढ़े बच्चे जिहड़े ने वो अच्छे बनन अच्छे रस्ते पर चलन और कोई भी वो नशे में शामिल नहीं हो नशे नशीली पदार्थों में अपने आप को शामिल नहीं कर ताकि साढ़ा एक स्वस्थ समाज बन सके और ये पंचायत के जोड़े भी नौजवान वो स्वस्थ बन के निकल सकन। वो तुम्हें याद होगा असं फख्र हों इस गल का कि इस पंचायत की फख्र है कि एक नौजवान जरा भानु प्रताप सिंह जो उसने इंटरनेशनल लेवल के उपर उसने ब्रोंज मैडल जितया एशियाड के
जकार्टे की गेम दे विच सारा पिंड जड़ा इस चीज़ का गर्व करता और इस पंचायत ने भी पंचायत के पंचे सरपंचे कसम कर दी इन कैंडिडेटें कि अस भी ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि बच्चे की जिस तरह पूरी अपॉर्चुनिटी मिलन जिस तरह इसे ग्रां के साढ़े कैप्टन शेर सिंह ने जेडे कि बच्चे की ट्रेनिंग देंगे फौज में जाने वास्ते BSF में जाने वास्ते पुलिस में जाने वास्ते उन्हें ट्रेन कर दें। सो इस किस्म का माहौल पैदा करने वास्ते मैं अपने वालों भी अपील करना चाहना कि तुस सुनीता देवी जिहड़ियां साडियां सरपंच उम्मीदवार ने और जिहड़े उन्हें पंच कन्नै खड़े किए उनकी वोट पान जिंदा चुनाव निशान जिहड़ा वह सिलेंडर का निशान है सिलेंडर के निशान मोर मार के उन्हें कामयाब करन एक अच्छी पंचायत बनान ताकि इस पिंड की जी शान है इस पिंड की जी जो विकास है उसे कायम रखा जा और अस अगर तरक्की करिए और उन्नति करिए। ओवरऑल गल की है पूरे सुचेतगढ़ की पोलिटिकल माइलेज लेने वास्ते पार्टियां हर एक एजेंडा अपना रही हैं उसी लेके क्या बोलोगे? देखो मैं पिछले 20-25 दिन का इस चुनाव के अपने आप ही शामिल किया लेकिन मैं उस जगह भी सब तो पहले मैं आख्या कि ये चुनाव जड़ा ये बिना पार्टी सिंबल तो किया लिया जा रहा है और ये कोई पार्टी का दखल नहीं है ना तो BJP का चुनाव है ना कांग्रेस का चुनाव है ना नैशनल कॉन्फ्रेंस कुछ पोलीटल पार्टी का चुनाव है और मैं महसूस करना है कि पिंड की एकता की कायम रखने वास्ते पिंड सद्भावना का माहौल पैदा रखने वास्ते ये जरूरी है कि पंचायत इलेक्शन जी है वह बिना पार्टी सिंबल तो होनी चाहिए और वाकई बिना पार्टी सिंबल तो है लेकिन जिहड़ियां पार्टियां मिसाल के तौर मैं एक वीडियो सुना था BJP के जो फार्मर MLA XMLA का जो उसने आख्या जी साढ़े 32 बिना मुकाबले चुने गए मुझे समझ नहीं आती कि इतने जिन्हें भी पंच सरपंच खड़े न वो तो कोई सिंबल भी नहीं खड़े हुए थे कोई उनका निशान नहीं है पार्टी का निशान नहीं है। मैं लोगों को यह अपील करनी हाँ कि जे लेडीज सीट रिजर्व आई है तो वह भरपूर फायदा लैन और अपना वोट सोच समझ के करन और जिहड़ी चीज़ों की जानकारी अजे तक उन्होंने नहीं पंचायत के अंदर मिलती वो लेडीज सीट रिजर्व होने करके सारिया जानकारियां उन्होंने तक पहुँचन।